प्रभात बच्चों, आज हम पाठ 7 टिपटिपुआ के कहानी के अंतिम भाग पढ़ेंगे। पहले दूसरे भाग में आपने देखा कि कैसे एक बच्चा अपनी दादी से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। दादी पानी बरसने से परेशान थी, उनका पूरा झोपड़ी छू रहा था, टपक रहा था, तो उन्होंने अपने मन से एक कहानी टिपटिपुआ बनाकर पोते को सुना दी। वहीं पे एक बाघ बैठा हुआ था, वो डर गया, वो डर के भाग के, उसको लगा कि कोई खतरनाक, दादी जो कहानी सुना रही है वो बाघ और शेर से भी कोई शक्तिशाली जानवर है। वो जाके बड़े बड़े घास के बीच में छिप गया। इधर एक धोबी था जिसका गधा खो गया था और वो सुबेरे से परेशान था गधे को खोज के, तो उसकी पत्नी ने सलाह दिया कि पंडित जी से जाके पूछो तो वो पोथी में देख के बता देंगे। पर पंडित जी भी पानी से परेशान थे, पानी निकाल निकाल के वो कहे कि जाओ कहीं गड्ढे तालाब में खोजो गधे को, वहीं कहीं बैठा होगा। तो धोबी जाके गड्ढे तालाब में ढूंढने लगा, वहीं उसको बड़े बड़े घासों के बीच बाघ छिपा हुआ दिखाई दिया। बाघ, उसने बिना सोचे समझे बिना देखे ही बाघ को, उसको लगा उसका गधा है। उसने धोबी ने गुस्से में उसको 2-4 डंडे बरसा दिया और बाघ बेचारा डर गया, उसको लगा ये जो धोबी है वो टिपटिपुआ है, तो वो जैसा कह रहा है अगर जान बचाना है तो जैसा कह रहा वैसे ही करते रहो। तो अब आगे की अंतिम भाग में देखते हैं कि क्या हुआ। धोबी बोलता, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कछुआ निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना छू चपड़ किए हुए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, धोबी तो वैसे ही परेशान था, उसने ये भी नहीं देखा कि ये गधा नहीं है उसका, ये तो बाघ है। पर उसने उसको, वो गुस्से में था, उसने खूब उसको मारा और कहा कि मैं तेरे को मार मार के तेरा कछुआ निकाल दूंगा। और धोबी ने बाघ का ही कान पकड़ लिया अपना गधा समझकर और उसको ले जाके अंधेरे में अपने घर के पीछे खूंटे से बांध दिया। और बाघ भी बेचारा बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया और जहाँ उसने बांधा वहाँ चुपचाप बंद गया और सो गया। पर जब अगले दिन सुबह हुआ तो गांव वाले ने देखा कि अरे ये तो धोबी के घर के बाहर खूंटे में गधे की जगह बाघ बंधा हुआ है। तो वो उनका आंख आश्चर्य से खुला ही रह गया कि गधे की जगह धोबी इतना बहादुर है कि गधे की जगह उसने बाघ को बांध रखा है। तो बच्चों, कहानी इतनी ही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? गिरजा रानी आस्थाना द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद बच्चों।